रामाकृष्णा जी, आप तो वापस लौट आए। लौटे कहाँ, लौटना पड़ा। आप इतने चतुर हैं शंभुआ महोदय, और कोई विकल्प तो छोड़ा नहीं ना हमारे सामने। रामाकृष्णा जी, हम तो आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आपके बारे में संपूर्ण जानकारी है हमारे पास, तो अब आपके लिए अच्छा ये होगा कि आपने कार्य में जुट जाए। बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं, बाल मत फेंकना, हम लोग तो तैरना नहीं आता। है मुझसे अलग परंतु मुझ जैसा, नाम ना बताए बताए मैं हूँ कैसा। हमेशा सत्य बोलता, रिश्वत के लिए मुंह ना खोलता। दूर हो जाए तो करे अदृश्य, पास आने पर करे प्रकट। बुझाओ ये पहेली विकट। इसमें क्या विशेष, इसका तो हल हम अभी निकाल देते। देखिए शंभुआ महोदय, हम 1-10 दिन का कठिन अनुष्ठान करेंगे जिसमें कुछ राशि लगेगी। अब आप निश्चय कर लीजिए, यदि आप इस पहेली का हल चाहते हैं तो यह अनुष्ठान करवा लीजिए। राजगुरु तथाचार्य जी, हमारे पास अब इतना समय नहीं है। तो पंडित रामाकृष्णा जी, मिला आपको इस पहेली का उत्तर? नहीं। तोता, बोलने वाला तोता, इस पहेली का सही उत्तर है तोता। है मुझसे अलग परंतु मुझ जैसा, एक तोता ही तो है जो मनुष्य की हर भाषा बोलता है और मिर्ची खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। इस पहेली का आधा उत्तर तो तोता है, बाकी का उत्तर हमें ज्ञात नहीं, परंतु आधा उत्तर तो हमने दे दिया ना। नहीं, तोता इस पहेली का उत्तर नहीं हो सकता। तोता मेरे पिता को कदापि पसंद नहीं था। अभी तो उन्हें शोर करने वाली कोई भी वस्तु पसंद नहीं थी, इसलिए वो संसार के शोर से दूर शांति की तलाश में सागर की शरण में आ गए थे। अतः तोता इस पहेली का उत्तर नहीं है। दो फिलिच का उत्तर दादुगल हो सकता है, भूल जाए तो होता है अद्वितीय, बात है तो होता है प्रकट। दादुगल ये जो अपने दादू से अद्वितीय और प्रकट हो सकता है। बाहर फेंक दूंगा। अम्मा कह रही है कि ये पहेली ही अनुचित है। मुझे लगता है कि आपके पिताजी ने आपके लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ी है, केवल आपको भ्रमित करने के लिए ये पहेली छोड़ी है बस। बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दे। अरे अम्मा चुप बैठो ना, मैं सोचता हूँ। बर्फी खाइए, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। उपमा गरम है, उपमा गरम है तो उपमा दीजिए ना, बर्फी क्यों दे रहे हैं, नहीं चाहिए। अरे धनी मनी, तुम भी सोच रहे हो? सोच रहे हैं, परंतु गुरुजी आप भी चिंतन कीजिए ना। सही हल ज्ञात होने पर संभवतः शंभुआ आपको अधिक से अधिक धन प्रदान करेंगे। सोचिए सोचिए। Thank you.
परंतु मुझ जैसा, नाम ना बताए परंतु बताए मैं हूँ कैसा। दर्पण, इसका अर्थ है दर्पण पर पड़ने वाली प्रतिबिंब। दर्पण सदैव सत्य बोलता है, वो दर्पण ही है जिसे दूर कर दो तो प्रतिबिंब भी दूर हो जाती है और समीप लाने पर दिखाई देती है। अतः इस पहेली का हल है दर्पण। वाह पंडित रामाकृष्णा, वाह, वो दर्पण ही तो है जिसके समक्ष मेरे पिता बैठकर पहरों पहर स्वयं को निहारा करते थे। बोलो। अति उत्तम, बाहर फेंक दूंगा। चलो चलो चलो। यहां पे कुछ नहीं है। यहां तो मात्र सात सज्जा का सामान है। कृष्णा की अम्मा सही कहती है, मेरे पिता ने मेरे लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ी है, उन्होंने मेरे साथ छल किया है, उपहास किया है मेरा। स्वामी, अब हमें पंडित रामाकृष्णा की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बाहर फेंकवा दिया जाए, इनके परिवार के साथ बाहर फेंकवा दो। उचित है समूह जी, उचित है, आप पंडित रामाकृष्णा को बाहर फेंक दीजिए, परंतु पंडित रामाकृष्णा के परिवार ने आपका क्या अहित किया जो आप उन्हें बाहर फेंक रहे हैं? अब देखिए ना, ये अम्मा बेचारी बूढ़ी हो गई है, ये शारदा रामाकृष्णा के जाने के बाद इनकी सेवा सुरक्षा करेंगी, और ये बेचारा गुंडप्पा, ये तो है ही छोटा बच्चा। सुनिए शंभुआ जी, इन्हें मुक्त कर दीजिए आप, ये हमारा राजगुरु तथाचार्य का आदेश है। अनुरोध कर रहे हैं तो आपसे। राजगुरु तथाचार्य जी, क्या आपकी पूजा अर्चना संपूर्ण हो गई है? हाँ हो गई, अवश्य पूर्ण हो गई। स्वामी, राजगुरु तथाचार्य को उनके शिष्यों के साथ बाहर फेंकवा दिया जाए। क्यों? अब हमें इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। सैनिकों, पकड़ लो सबको। छोड़िए हमें, हटिए पीछे, आप परिचित नहीं है हमसे। हम हैं विजयनगर राज्य के राज पुरोहित तथाचार्य, स्वयं महाराज श्री कृष्णदेव राय हमारा अत्यंत सम्मान करते हैं, यदि उन्हें ज्ञात हुआ ना तो वो सबका, आप सबका सर्वनाश कर देंगे। सैनिकों, सर्वप्रथम राजगुरु तथाचार्य को ही बाहर फेंकना, पकड़ लो इन्हें। हमें छोड़ दीजिए, अरे सैनिक महोदय हमें छोड़ दीजिए। भगवान, किस संकट में पड़ गए, हमें क्यों फेंक रहे हो, हमें अपने दल में सम्मिलित कर लो ना। हम तो पेट पालने के लिए इस दुष्ट बुड्ढे के शिष्य बने हुए हैं। छोड़ो, अरे हम आपके सारे काम करेंगे। अरे मरने से पहले अम्मा की अंतिम इच्छा को पूरी कर दो, उनकी लाठी उन्हें लौटा दो, और सुनिए पहले अम्मा को ढकी लेगा वो फिर हमें। ये सब तेरे कारण हुआ है, मैंने तुझे कहा था कि दो लोगों के झगड़े में अपनी टांग नहीं आनी चाहिए, अब भुगत। मुझे दबा कर दे लामा, अले बचाना हमें। अब बहुत विलंब हो गई है, कुछ नहीं हो सकता। सैनिक महोदय, फेंक दो, सबसे पहले आचार्य को फेंको। गुरुवर, रुको सैनिक, अरे अरे हमें मछली की दुर्गंध आती है, यदि हमारा अंत करना ही है तो कोई और उपाय करो।
ऐसे हम नहीं मरेंगे। रामकृष्ण को कक्ष में लेकर चलो। परंतु मालिक, रामकृष्ण का तेरे से स्पोकों का क्या करेंगे? बाकी लोगों को मार देंगे। इसके संभव महोदय, यदि किसी का भी कुछ भी अहित हुआ तो मुझसे किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा मत करना। ठीक है स्वामी, सबको अंदर फेंक दो। अंदर फेंक दो। नीला नाड़ा हरी लंगूर, बंदर करे अटखेलियां, लंगूर लगाते लोट। ऊंट के मुंह में जीरा है अनमोल हीरा, यदि हो बुद्धिमान तो बूझो इस पहेली का ज्ञान। नीला है नाड़ा, फटा है लंगूर। अरे फटा नहीं, हला हला। हाँ वही ना, बंदर खाए अटखेलिया, ऊंट खाए जीरा। खामोश हो जाओ। चुप। अन्यथा ये समूह जो बाहर फेंकेगा। पंडित रामकृष्णा जी, एक बार पुनः वचन कीजिए। हमें भली भांति इसका श्रवण नहीं हुआ। क्या है? कुत्ता, लंगोट, बंदर, अटखेलिया, क्या है, क्या है, जीरा, क्या समझ नहीं आया हमें। राजगुरु तथाचार्य जी, आप कृपया करके रहने ही दीजिए, आपके बस की नहीं है। इसलिए पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मार फेंक दूंगा। पंडित रामकृष्ण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको इस पहेली का उत्तर ज्ञात हो गया है। हाँ, इसका उत्तर अत्यंत ही सरल है। तो फिर शीघ्र बताइए ना, आपको दिखना रही है किताब व्याकुल में यहाँ पर। इस पहेली का उत्तर है द्वीप। द्वीप? द्वीप का क्या तात्पर्य है? द्वीप का तात्पर्य है द्वीप। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ आसपास समुद्र में कोई द्वीप है क्या? द्वीप, 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 द्वीप। हाँ हाँ हाँ, है ना, एक नहीं अनेकों द्वीप है। लेकिन मुझे आशंका है कि इसमें आपकी कोई चाल तो नहीं। ये पहेली तो मुझे पहले वाली पहेली से भी अधिक कठिन लग रही है, और ऐसा लगा कि आपने इसे एक बार पढ़ा और आपको हल प्राप्त हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता। परंतु इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है। नहीं, आपका मंतव्य ये तो नहीं है कि आप द्वीप द्वीप कहेंगे और हम यहीं आसपास लंगर डाल देंगे और आप अपने भागने की योजना बना सकेंगे? देखिए संभुआ महोदय, पहेली का उत्तर द्वीप ही है। मैंने इसे पढ़ा, समझा, फिर उत्तर दिया। नहीं 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 नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। आप पहले ये स्पष्ट करें कृपया कि इस पहेली का उत्तर द्वीप ही क्यों है। ठीक है, आप कृपया करके मुझे एक नीले रंग का नाड़ा और एक हरे रंग की लंगोट उपलब्ध करा दीजिए। मैं अभी सिद्ध कर देता हूँ कि मेरा कथन सत्य है। नाड़ा? हाँ। ओ, हाँ। आदेश कीजिए मालिक, उपमा गरम है। नाड़ा और लंगोट? जो आदेश मालिक। गरम है। मामी, यह तो मात्र नाड़ा है, हरी लंगोट कहाँ है? क्षमा कीजिए मालिक, हरा लंगोट मिला ही नहीं। कोई कठिनाई नहीं है, रहने दीजिए, आप किसी भी और रंग की लंगोट ले आइए। स्वामी, एक काम करो, कोई भी रंग की लंगोट ले आओ। क्षमा कीजिए मालिक, कोई भी लंगोट नहीं है। स्वामी, एक काम करो, अपनी लंगोट दे दो। उपमा ठंडा है। सैनिकों, आप लोगों में से किसी के पास भी
हरे रंग की लंगोट है या किसी भी अन्य रंग की लंगोट है तो उतार कर पंडित रामकृष्ण को दे दे। आश्चर्य है, हमारे पूरे सैनिक दस्ते में कोई लंगोट नहीं पहनता क्या? पंडित रामकृष्ण क्या? कदापि नहीं, विचारेगा भी मत। मैं ना ही अपने वस्त्र उतारूंगा ना ही आपको अपनी लंगोट दूंगा। देखो तो अम्मा बड़े आए। राजगुरु तथाचार्य जी, वो यहाँ आने की हड़बड़ाहट में हमने लंगोट पहना ही नहीं। शिव 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 ना 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 ना, हम तो अपने गुरुजी की बाल्यावस्था से इनका अनुसरण करते हैं। हमने कोई लंगोट नहीं पहनी गुरुजी की तरह। लंगोट हीन शिष्य, मार फेंक दूंगा। बंडप्पा, नहीं 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 नहीं, मिली लंगोट तो छोटी बली की, मैं नहीं दूंगा। आप सभी एक क्षण यहीं रुकेंगे, मैं अभी तुरंत वापस आता हूं। ये लीजिए मेरा लंगोट। आप इसे स्वयं अपने कर कमलों से वहां रख दीजिए। आप लीजिए ना। आप रखिए ना। आप रखिए ना। अरे आप रखिए ना। आप रखिए। ठीक है। स्वामी, ये तो मुरली डाकू और गुलाबी लंगोट पहनते हैं। अब बताइए पंडित जी, इस पहेली का हल? हाँ, तो कृपया करके इसे थोड़ा ऐसे एकत्रित करके एक जगह रख दीजिए। अब इसका क्या करना है? उसे आप हाथ मत लगाइए, मैं स्वयं कर लूंगा। मैं कर लूंगा। तंबुआ महोदय, मैं कर लूंगा। उचित है। हाँ, आप करिए। देखिए, अब ये जो नीले रंग का नाड़ा है, इस नीले नाड़े का अर्थ है सागर और इसके बीच में हरा लंगोट द्वीप। हरा का? ये तो गुलाबी। गुरुवर, कल्पना तो कर सकते हैं ना, ये हरी लंगोट प्रदर्शित करती है हरियाली, पेड़ पौधे घास अर्थात भूमि, वो भूमि जिस पर बंदर वानर लंगूर विचरते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। अर्थात पहेली का उत्तर है समुद्र के बीचों बीच हरे रंग का क्या? लंगोट। पालक। नहीं नहीं, ककली। ये धनिया। समुद्र के बीच धनिया नहीं उगता, अवश्य कोई समुद्री झाड़ी होगी। अरे अम्मा, समुद्री झाड़ी नहीं, समुद्र के बीचों बीच स्थित हरे रंग का द्वीप। द्वीप और हीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या तात्पर्य? हीरा, हीरा। संभव महोदय, यहाँ आसपास कोई द्वीप है जिसका नाम किसी रत्न के नाम से मिलता जुलता हो? रत्न, हीरा, गोमेदक। गोमेदक, हाँ गोमेदक द्वीप है। गोमेदक तो हीरे का ही उपरत्न है। पहेली का उत्तर है गोमेदक द्वीप। एक बार द्वीप पर खजाना मिलने दो रामा, बाहर फेंक दूंगा। एक बार द्वीप पर पहुंच जाऊं, वहां से सबको निकालने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा।